आपको जाएगा बटर और ये रेड चटनी और उसके बाद ये हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीकर रेल फैन और एक नया व्लॉग में, वो भी आज खाने के व्लॉग में। अभी फिलहाल है अहमदाबाद मानिक चौक में। आज मानिक चौक में क्या क्या स्ट्रीट फूड मिलेगा सब खा के बताऊंगा फ्रेंड्स। देखो भीड़ तो बहुत है। अभी फिलहाल टाइम मोजरा 8 बजे, अभी थोड़ा भीड़ कम है। अभी टाइम रात 11-12 बजे होगा ना, और ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। देखो इधर बाइक रखने का भी जगह नहीं है, उतना भीड़ है इधर। भाई बहुत भीड़ है यार, बहुत भीड़ है। अभी अपन क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? जोगरा सैंडविच। जोगरा सैंडविच, ओके। अभी पहले हम टेस्ट करने वाला है जोगरा सैंडविच, उसका मेकिंग, उसके टेस्ट पूरा बताऊंगा आपको मैं। एक बार बोलो भाई क्या क्या सैंडविच है। गोगरो, रबड़ी, चार सैंडविच है आपके पास। ये आइसक्रीम, ओके। नहीं ये सादा चॉकलेट वाला है। तो चॉकलेट सैंडविच आइसक्रीम वाला भी बना रहा है। ओके ओके, इधर देखो भैया आइसक्रीम सैंडविच बना रहा है। ये आइसक्रीम सैंडविच है, सैंडविच है ना। इधर देखो प्याज, कैप्सिकम और क्या डालते भैया? प्याज, कैप्सिकम, चीज है ना, ये दोनों कटिंग डाल देना उसमें, और चीज डालते बीच में, तो ऊपर भी चीज डालते बाद में। इधर प्याज और कैप्सिकम की कटिंग हो रहा था। भैया अभी जोगर सैंडविच बना था ना, क्या क्या डालते इसमें आप? प्याज, कैप्सिकम, चीज, ये पूरा मिला के जोगर सैंडविच होता। स्टार्टिंग से मुझे पास पता है। अभी अभी उसके ऊपर भी और एक ब्रेड लगाएगा, ये लास्ट ब्रेड है। पूरे 3 ब्रेड रहता है ना। अभी वो सैंडविच भी समझ लग गया ना, इस तरह के बनाना पड़ता है। कितने टाइम लगेगा इसका? ये 3 चलाइए, 3 मिनट। सैंडविच को अच्छा करके चीज लगा के, कैप्सिकम, टमाटर लगा के, अभी इसके अंदर रख दिया। अभी देखो भैया एक ही बार दो सैंडविच बना देना, गर्मा गर्म। टाइमिंग कितना है इधर? टाइमिंग कितने बजे चालू होता है? 7:30, 7:30 बजे। रात में कितने बजे तक रहता है? 1:30 बजे तक। बाहर निकाल दिया कटरा से, तो कितने है? 2 बजे पर 6 पीस कर दिया करके, इसके ऊपर जाएगा बटर और ये रेड चटनी। देखो हमारा जोगरा सैंडविच बना के दे दिया भैया। ये चटनी कौन सी? ये सॉस है ये क्या भैया? नीचे का ग्रीन वाला कौन सा है? ये ग्रीन चटनी है, ये टमाटर सॉस। टमाटर सॉस है ये? अमूल बटर, अमूल बटर। अभी ये जोगरा सैंडविच है, मैं खा के बताऊंगा कैसा है। देखो चले ये सॉस के साथ बताऊंगा कैसा है। एक नंबर। अभी ग्रीन चटनी से बताऊंगा कैसा है।
अभी फिलहाल हमारा गर्मा गर्म गुगरू सैंडविच खत्म कर दिया। इसका प्राइस बड़ा 150 रुपये। 150 रुपये तो बहुत महंगा ही है, मगर खाने का तो अच्छा है भाई, खाने का तो एक नंबर है, खा सकते हैं आप। अभी गुगरू सैंडविच के साथ चॉकलेट सैंडविच मिलेगा, आइसक्रीम सैंडविच मिलेगा, और पाइनएप्पल सैंडविच मिलेगा, रबड़ी सैंडविच मिलेगा, 4-5 ऑप्शन है इसके पास सैंडविच का। अभी हमारा सैंडविच खत्म हो गया ना, अभी खाएंगे डोसा। कौन सा डोसा मालूम? गोडाला डोसा। गोडाला डोसा बहुत फेमस है इधर। अभी वो भी उसका प्रिपरेशन बताऊंगा, उसके टेस्ट भी बताऊंगा पूरा मैं आपको। भाई साहब कितना मीठे देखे यार, बैक टू बैक ये सब डोसा का है। देखो ये डोसा हो गया, इधर भी डोसा का है, इधर भी डोसा का है। इसका नाम है बालन डोसा, एक फ्यूजन ऑफ क्लासिक्स। भैया गोडाला डोसा मिलेगा? गोडाला डोसा नहीं बना, अभी बना दे, बना रहा था, टाइम लगेगा अभी ऑर्डर तक। इधर क्या गोटाला डोसा में वैरायटी भी मिलेगा? गोटाला डोसा के अलावा भी है। क्या क्या वैरायटी है? हां जीनी डोसा है, जीनी डोसा, फ्रैंकी, ग्वालियर सादा, मैसूर मसाला, चीज पनीर, पनीर डोसा। ओके ओके, बहुत सारा उत्तपम। ओके ओके, अभी मेरे लिए एक गोटा डोसा बना दो, ठीक है? ये देखो डोसा बनाने का पूरा, ये क्या है? चीज है ना, बटर, टमाटर, और ये क्या है? धनिया। ये पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची, और टमाटर। देखो कटिंग पूरा हो रहा है इधर। ये देखिए भैया आलू का कटिंग कर रहे हैं। हाँ अभी अभी गुड़ाला जैसे बना रहा, बाद में। अभी डोसा बना दिया बस, ये बटर है ना, बटर बटर बटर। ये बटर देखो पूरा मेल्ट होती जा रही है इधर, मेल्ट होती जा रही है इधर। अरे पूरा बटर को पूरा रब करेगा, अरे पूरा रब कर देगा, पूरा बटर, बटर पूरा रब कर देगा, आधा करेगा पूरा, पूरा थोड़ी जाएगा यार, सेठ का नुकसान हो जाएगा। अरे कर दो यार, कोई वादा नहीं। बटर के उसके ऊपर गया शिमला मिर्च, शिमला मिर्च के बाद टमाटर, टमाटर के बाद पालक, पालक के बाद ऊपर क्या है? पनीर। ये क्या है? पनीर। हाँ चीज है, इसके ऊपर चीज डाला, देखो चीज। शेजवान चटनी, अभी जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, मिर्ची, और बटर चीज, बटर तो फिर ऊपर बटर, बटर का तो पूरा। देखो फिलहाल इधर अपन गोडाला डोसा का प्रिपरेशन चल रहा है, देखो गोडाला डोसा का पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। मैं स्टार्टिंग से एंड तक पूरा बताऊंगा आपको। पानी डाल रहा, पानी पानी, हाँ हाँ पानी, देखो। अरे यार, अरे रे 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 रे, गोडाला पार्सल ठीक है। ऑयल? हाँ ऑयल, कौन सा ऑयल डाल रहे हैं आप? गुलाब, गुलाब ऑयल। ये भैया है ना, ये बंगाल, वेस्ट बंगाल के भैया, का नाम क्या है? अजीत। अजीत वेस्ट बंगाल में किधर है? हावड़ा, कलकत्ता, किधर है? बर्धवान, बर्धवान, बर्धवान। कलकत्ता से 2 घंटे का है ना? दो घंटे का रास्ता। हाँ ऊपर से और एक बार बटर, हाँ देखे थे, देखते ही मुना मुंह में पानी आ रहा है। ऊपर खड़ा चीज मार दूंगा, हो जाएगा। अब एक बार चीज मारेगा हम। अभी भैया ऊपर से और एक बार चीज मार रहा था। अभी देखो क्या डाला आप? धनिया, धनिया। हाँ
अभी कितना प्लेट होगा? देखिए एक प्लेट हो गया, दो, तीन, इसको क्या बोलते, घोटाला बोलते ना, चार, पांच, छः, सात, अभी कितना हो गया, अभी देखो भैया आठ, ये पार्सल के लिए लग ले रहा होगा, नौ, यार एक दो समय नौ आ जाएगा यहाँ से, सांबर है सुप्ता सांबर, ये क्या है, ये भी सांबर, इंदौर सांबर है, तो गर्मा गर्म सांबर है, टंकी टंकी बना दिए लोग, देखिए बात कितने ये घोटाला है भैया, हमारा दोस्त लेके आया गया, ये कौन सा है, ये सांबर है ये चटनी है, चटनी कौन सा चटनी है, नारियल का है, नारियल का, ये दही है, ये घोटाला है, देख अभी गर्मा गर्म घोटाला दोस्त खाके बताऊंगा, पहले ये घोटाला इसके साथ, दो दो अच्छा है भाई, अब ये देखो एक नंबर, अभी सांबर कैसा कर बताऊंगा, सांबर भी बहुत अच्छा है भाई, अभी ये नारियल की चटनी, ये कैसा बताऊंगा, ठंडा हो गया यार सांबर तो गर्मा गर्म, अभी इसके दही भी दिया दोस्त के साथ, मैं पहले बार देख रहा हूँ दोस्त के साथ दही, दही का तो टेस्ट बताने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम होगा, आपका नाम क्या है, कमलेश, कितने साल से काम कर रहे थे, कितने साल हो गया, हो गया एक साल, एक साल हो गया, आपका नाम भैया, कितने साल हो गया इधर, एक साल, भैया का भी एक साल हो गया, पाँच साल हो गया, हमारे चैनल का नाम है श्रीकर रेल फैन, श्रीकर रेयर कर, स्पेस ये दिख रहा ना, रेल रेल फैन, ये हमारा चैनल है, ओके ये सब वीडियो से बस, ये इधर जितना भी काम करने वाला है ना घोटाला दोसा कर, होटल का नाम क्या है, सब लोग मेरा कबाब के ऊपर बन गया, एक दो तीन चार पाँच छः भैया के साथ साथ, ओ भैया हाय बोलो यार, अब सब के बन गया, शॉप का नाम क्या है भैया, बाउसर, बाउसर बाउसर बाजी पाव, बाजी पाव पलाव, अभी अपन पाव भाजी खाने के लिए आया, बाउसर बाउसर पाव भाजी, बाउसर पाव भाजी, अभी देखो भाई पाव भाजी का बाजी बना रहा था, इसको क्या बोलते, बाजी बोलते ना, हाँ पाव भाजी, देखो देखो प्याज शिमला मिर्ची, देखो पाव भाजी भी दे, बाजीपुरा निकाल दिया, नीचे कर दिया, तो बाजी को तड़का लग रहा, देखो अभी इसे पूछा ना प्याज के लिए, ये देखो ये वो देखो वो हाल ये रास्ता में पड़ेगा, एक बात जाइए साइड में, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, आ जाए बाजी का तड़का लगा रहा, अब इधर देखो ये क्या के सैंड बटर गर्म कर, बटर पाव गर्म हो रहा है, पाव गर्म हो रहा है, अब ये बाजी को तड़का लगा रहे हैं आप, तड़का हो गया, तड़का हो गया, रेडी हो गया,
ये देखो भाई, ये पाव कटिंग कर रहा है। ये प्याज टमाटर ये सब कटिंग आप ही करेगा ना? कटिंग आप ही करेगा? अभी देखो भैया बाजी गर्मा गर्म बाजी डाल रहा है, इसके ऊपर जाएगा प्याज नींबू टमाटर और चम्मच। इसके बाद ये चटनी कौन सा है? लहसुन की जाएगी। लहसुन की चटनी जाएगा। अरे एक नंबर लग रहा है देखने में। अभी हमारा घुघरू सैंडविच हो गया, गोटला डोसा हो गया, अभी वक्त आ गया खाने का पाव भाजी का। कौन सा पाव भाजी है बोलो यार, कौन सा पाव भाजी? असर क्यों? बटर पाव भाजी। ये देखो ये पाव भाजी, बटर पाव भाजी है। ये इधर का बहुत फेमस है, ये क्लिपिंग किलोमीटर। अभी नींबू डालेंगे इसके ऊपर, बटर मिक्स कर दिया मेरा भाई। अभी ये टमाटर प्याज है ना, अभी पाव भाजी टेस्ट करके बताऊंगा। पाव भाजी तो अपन हर जगह खाते हैं, मगर माने जो का पाव भाजी और टेस्ट है बोल के बताया बहुत लोग, इसलिए इसका भी रिव्यू दे देंगे कैसा है बोल। ठीक रेगुलर पाव भाजी लग रहा, उतना ना कुछ नहीं लग, नया नहीं लग रहा। नॉर्मल जो सादा पाव भाजी खाता ना रेगुलर पाव भाजी वही लग रहा मेरे। महाराज डोसा, पालन डोसा, कितने वैरायटी है देखे थे, पुलाव। ये अहमदाबाद में मानिक चौक में पहले बार आया भाई, एक नंबर एक्सपीरियंस है। और इसमें एक एडवांटेज भी बताना है, डिसएडवांटेज भी बताना है। अभी मैं सब खा लिया ना, पहले क्या आया था घुघरू सैंडविच, उसका प्राइस पता 150 रुपये। उसके बाद मैं क्या आया था गुटाला डोसा, उसका प्राइस बढ़ा 270 रुपये। उसके बाद मैं क्या आया था पाव भाजी, उसका प्राइस बढ़ा 160 रुपये। मगर इधर खाने पीने के लिए बहुत मिल रहा, मगर डिसएडवांटेज क्या है मालूम? इधर बहुत महंगा है, हर चीज़ बहुत महंगा है। देखो सब लोग नहीं खा पाएगा, जो बंदा साल में एक बार, दो साल में एक बार, महीने में एक बार खा सकते, मगर हर दिन खाने का मगर ये अच्छा नहीं है, मगर थोड़ा महंगा है। मगर खाना तो एक नंबर है। सबसे अच्छा लगा मेरे को गोटा डोसा, एक नंबर लगा। उसके बाद घुघरू सैंडविच भी अच्छा लगा। उसके बाद पाव भाजी नॉर्मल लगा यार, वो 160 रुपये के हिसाब से उतना कास्ट नहीं है वो, ठीक है नॉर्मल लगा। अब इधर तक मेरा व्लॉग कैसा लगा? आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब श्रीकर रेल फैन।